गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो कल की क्लास में भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, जो था गैमेटोजेनेसिस, जिन प्रोसेस से गैमेट बनता है। पहला स्टेप क्या है? गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्म हो गया तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा? गैमेट का ट्रांसफर करना फॉर द फ्यूजन एंड फॉर द फर्दर रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दूसरा स्टेप है ट्रांसफर ऑफ द गैमेट। ओके, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे अल्गी वगैरह हैं, इनमें क्या होते हैं, दोनों गैमेट मोटाइल रहता है और दोनों के मूवमेंट से एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइल टॉकिंग अबाउट ऑल्गी, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, ज्यादातर अल्गी में दोनों गैमेट्स मोटाइल और जो मेल गैमेट है वो मूवमेंट करता है फीमेल गैमेट के साइड के थ्रू, साइड के जगह पे, और वहां पे जाके फ्यूजन होता है मोस्टली। ठीक है, कुछ केसेस है जहां पे जाके फीमेल गैमेट नॉन मोटिलिटी दिखाता है। जब बात करें ब्रायोफाइट का, ब्रायोफाइट में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गैमेट्स मोटाइल होता है, गैमेट्स में भी मोटाइल, मेबी मोटाइल और नॉन मोटाइल। और जो गैमेट ट्रांसफर होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो वाटर इज द मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब जाके कुछ हायर प्लांट का बात किए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर, जो गैमेट एंजिया है उनका ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मीडियम होता है। जैसे यहाँ पे वाटर एक्ट किया मीडियम, इसमें भी जाके कुछ मीडियम होता है, और इन केसेस में दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है। प्लांट का बात कर रहे हैं, ये सारे प्लांट का केस है। हायर प्लांट्स में जो गैमेट फ्रॉम ट्रांसफर होता है वो होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन के थ्रू होता है। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या है? मेल पार्ट है, ये है मेल पार्ट, और स्टिग्मा है फीमेल पार्ट। तो इन ट्रांसफर को बोलते हैं पोलिनेशन। और जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर, पोलन ग्रेन में
दिस पोलन ग्लैंड कंटेन्स मेल ग्लैंड. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. और ये ट्रांसफर कैसे होगा, कुछ केसेस में ये ट्रांसफर सेम फ्लावर में होता है और सेम प्लांट स्पीसीज सेम फ्लावर में होता है और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में होता है. ठीक है, तो जब जाके पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन. और जब एंथर एक फ्लावर के एक एंथर के एक प्लांट से, मतलब क्या बोल रहा है कि एक प्लांट का मेल पार्ट जो एंथर है उसका पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट का फीमेल पार्ट जो स्टिग्मा है वहां तक ट्रांसफर होगा, तो इन प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन. ठीक है, ये दो टाइप का होते हैं पोलिनेशन. पोलिनेशन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का. ठीक है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन. इसमें क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन of the same plant or different flower flowers of same plant. And this process is called cell pollination. ठीक है, अब जाके क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर of one plant to stigma of another flower of another plant. And this process is called क्रॉस पोलिनेशन. ओके,
So in the cross pollination, there is a transfer of pollen grain from anther of one flower of one plant to a stigma of another flower of another plant is cross pollination. और इसमें क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो रहा है, एक प्लांट का एक एंथर से दूसरे प्लांट का दूसरा स्टिग्मा में ट्रांसफर होने वाला फेनोमेना को क्रॉस पोलिनेशन बोलता है। और सेल पोलिनेशन में क्या हुआ, एक ही प्लांट का डिफरेंट फ्लावर्स में ट्रांसफर, एक प्लांट में अगर कुछ मेल फ्लावर है कुछ फीमेल फ्लावर है और उसमें जाके ट्रांसफर हुआ तब, और जाके एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में हुआ तब जाके एक प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल पोलिनेशन। इनका डिटेल्स हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये सारे था प्लांट्स का रिलेटेड। अब जाके नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एनिमल्स के रिलेटेड। So, transfer of gametes in case of animal, animal के केस में क्या होता है, एनिमल अगर जो हायर एनिमल्स है उनके केस में क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म जो मेल गैमेट है टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। By process called copulation. यहाँ पे क्या होता है, एनिमल के केस में जो हायर एनिमल है उसमें क्या स्पर्म जो है, स्पर्म का ट्रांसफर फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन वाले प्रोसेस से जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ट्रांसफर होता है और उसके बाद जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, ओके। So next step of sexual reproduction is fertilization. Fertilization. देखो ये fertilization में क्या होता है, जो male gamete है वो female gamete से fuse होते हैं to form the zygote, it is called fertilization. Zygote form करने वाला process को fertilization बोलते हैं, okay. So the fusion of male gamete with female gamete is called fertilization to form zygote. Female gamete to form zygote is called fertilization. इन फर्टिलाइजेशन को साइंडेम भी बोलता है कहीं जगह, अब जब फर्टिलाइजेशन का बात किया गया
तो फर्टिलाइजेशन भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ केसेस में फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट टेक प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है कुछ केसेस में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट वाला केसेस है जैसे कुछ फिशेस वगैरह होता है, फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि मेल गैमेट वाटर मीडियम में रिलीज करता है, ठीक है, और उसके बाद जाके फीमेल को भी सिग्नल मिलता है कि चलो मेल गैमेट वाटर मीडियम में रिलीज हो गया है, अब जाके फीमेल गैमेट भी रिलीज करना पड़ता है। तो दोनों मेल और फीमेल गैमेट रिलीज होता है वाटर मीडियम में, और उसके बाद जाके ये दोनों रैंडमली फ्यूज होता है टू फॉर्म द जायगोट। और इस केस में क्या होगा कि जायगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो देयर इज लाइक अ मोर क्या बोलते हैं मोर वल्नरेबल जायगोट विल बी फॉर्म। मतलब ए जायगोट है, ए जायगोट का ज्यादा रिस्क होता है फ्रॉम देयर व्हाट यू से फ्रॉम देयर क्रिएचर्स व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन इट। और जो जायगोट वगैरह पे डिपेंड होता है कुछ कार्निवोरस स्पीसीज वगैरह, वो क्या करते हैं मैक्सिमम जायगोट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी कारण से ये जो मीडियम्स है, ये जो मीडियम में जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है उस केसेस में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होता है। बहुत ज़्यादा नंबर्स में होने के कारण अगर मैक्सिमम डिस्ट्रॉय भी हो गया तब भी जाके कुछ बच जाएगा टू मेंटेन द स्पीसीज कंटिन्यूटी। सो इनका एग्जाम्पल्स है फ्रॉग, फिशेस। अब दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट में क्या होता है कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं, जो जब जाके बर्ड्स का क्या होता है कि व्हेन द फ्यूजन टेक प्लेस द एग फॉर्मेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, बट द क्वेश्चन लाइक बर्ड को उड़ना पड़ता है, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने पड़ते हैं बाय फ्लाइंग। अगर उसके बॉडी के अंदर एग रहे, फर्टिलाइज्ड एग रहे और जायगोट रहे और उनका डेवलपमेंट हुआ, तो उनका बॉडी का वेट बहुत हो जाएगा, उस कारण से वो प्रॉपरली फ्लाई नहीं कर पाए। इसी कारण से ये बर्ड्स वगैरह क्या करता है कि एग ले कर देता है इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और एग जो होता है, ये जो एक फर्टिलाइज एग है जिनको जायगोट बोलते हैं, इसके पास इतना यॉल्क रहता है कि पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस खत्म करने तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज द केस फॉर्म्ड इन बर्ड्स, लिजर्ड्स एक्सेट्रा। अब जाके थर्ड टाइप है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट। अब क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट।
इनका कैसे भी जो हायर एनिमल्स भी है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, जैसे काउज है, बफलोज है, मंकी है, इन सब में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये फॉर्म करेगा जायगोट अंदर बॉडी के अंदर, और ये जायगोट डेवलप होगा इंद्रियों में इनसाइड द बॉडी, और ये इंद्रियो डेवलप होगा न्यू ऑर्गेनिज्म्स में, न्यू न्यूरॉन्स में, और ये पूरा प्रोसेस अंदर बॉडी के अंदर डेवलप होगा और ये जाके डायरेक्टली आउट होगा, दिस विल कम आउट। As developed baby, ठीक है, तो इनमें जितना भी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट था सारे क्या हुआ बॉडी के इनसाइड हुआ, फर्टिलाइजेशन भी इनसाइड हुआ, और इनका एग्जांपल्स है ह्यूमन, डॉग्स, मॉन्की, और इंसर्ट जितना भी मेमेलियास है मोस्टली सारे एक्सेप्ट दैट डॉग विद प्लैटिपस, सारे का क्या होता है डायरेक्ट बर्थ डेटा है यंग का, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट दोनों अंदर बॉडी के अंदर ही होता है। अब जाके एक केसेस डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे इसी केसेस में फर्टिलाइजेशन का टाइप्स जो है सिंगामी। सिंगामी दो टाइप का होता है, एक है इंडोगामी, एक है एक्सोगामी। इंडोगैमी में क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स है एक ही पेरेंट का होता है, और दोनों फ्यूज होके एक ही पेरेंट के अंदर जायगोट बनाता है, और जायगोट विल डेवलप इनटू इम्ब्रियो एंड इम्ब्रियो नया ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऑफ सेम पेरेंट, मेल और फीमेल गैमेट एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर फॉर्म हुआ और एक ही बॉडी के अंदर जाके फ्यूज हुआ। ये जैसे एग्जांपल्स है इनका टाइनिया दैट इज फ्लैट वर्म, और एक्सोगैमी। एक्सोगैमी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट of one parent, male gamete of one parent to female gamete of another parent takes place to form zygote। ये normal है जो humans के केस में होता है, human cockroaches etc।
ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन यानी का दो डिफरेंट पार्ट्स। अब कुछ ऐसे भी जाके ऐसे भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है जिनमें जाके बस एक का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, बिना गैमेट फॉर्मेशन से, बिना फ्यूजन से जायगोट फॉर्म कर लेता है। क्या होता है इसमें, कुछ ऐसे भी प्रोसेस है जिसमें ए डेवलप डायरेक्टली इनटू जायगोट एंड जायगोट विल डेवलप इनटू इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से न्यू ऑर्गन। तो इस प्रोसेस में, इन प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ ए इंटू जायगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ नेचुरल प्रोसेस होता है और कुछ आर्टिफिशियल होता है। जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह है जिनमें सीड्स ज़्यादा है, अब जाके वो सीड्स का नंबर कम करने का और सीड्स फ्री बनाने के लिए क्या करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कराते हैं। जैसे हो गया ऑरेंज के केस में, सो देर लाइक दे आर डन पार्थेनोजेनेसिस टू मेक इट सीड फ्री। ग्रैप्स, ग्रैप्स क्या है, जो वाइल्ड ग्रैप्स खाओगे आप उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है, बट जो अभी जाके पार्थेनोजेनेसिस किए हुए ग्रैप्स है उनके अंदर देखोगे तो दैट इज सीड फ्री। सो हियर आर्टिफिशियल में है ग्रैप्स, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस वाले प्रोडक्ट है। और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जैसे हो गया बनाना के केस में, बनाना है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का प्रोडक्ट। और हनी भी में जो वर्कर हनी भी होता है, वर्कर हनी भी, दे आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। फ्यू रोटी फॉर एंड फ्यू लीजर्स ऑल्सो अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस बाय द नेचुरल प्रोसेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब जाके हम बात करेंगे इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियोस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियोस टू फॉर्म द न्यू वंस। इम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट and their development to form young ones is called embryogenesis। अब देखो embryogenesis process में कुछ zygote form हो गया, ठीक है। जायगोट फॉर्म होने के बाद
ए जायगोट में क्या होता है कि सपोज दिस इज जायगोट, दिस फॉर्म्ड नाउ दिस, अब जाके जायगोट का फर्दर डेवलप करना है, बट डेवलपमेंट के पहले इनमें क्या करता है, सफिशेंट यॉल कलेक्ट करता है। और सफिशियंट यल्ट होने के बाद क्या होता है कि कैल्सियरस लेयरिंग विल बी अराउंड इट, ये है कैल्सियरस सेल। कैल्सियरस सेल एक बनेगा उसके आर पार, मतलब चारों ओर, और उसके बाद क्या करेगा, ये जायगोट को डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकाल देगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रख देगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और ये जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करता है उनको बोलते हैं ओविपोरस। द ऑर्गेनिजम्स These organisms are called ovipores. ovipores क्या किया कि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जितना भी न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन वगैरह होता है सारे कलेक्ट करता है, और उसके बाद जो जायगोट है जायगोट के साथ उनको सारे को रैप कर देता है इन द एग सेल, मतलब एक कैल्शियम लेयर फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म करता है चारों ओर से, और उनके अंदर सब ढक देता है, और उसके बाद आके एक्सटर्नल एनवायरमेंट में उनको रख देते हैं। और सडन पीरियड उनके पास क्या है, फूड रिजर्व है। ठीक है, फूड रिजर्व है उनके पास और प्रोटेक्शन भी है, तो ये क्या करेगा, इनको डेवलपमेंट करेगा, और जब प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा तब जाके क्या होगा, जो एक कैल्शियम सेल है ये क्या होता है, हैच होगा और यंग वंस विल कम आउट। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस जो ऑर्गेनिजम्स में होता है वो मेनली बर्ड्स है और रेप्टाइल्स है, दे इंक्लूड्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ओविपोरस। अब जाके दूसरा टाइप है जो दूसरा टाइप है वो है, उसमें क्या होता है, इंद्रियो बना, इंद्रियो बन गया है, इंद्रियो बनने के बाद क्या होगा, इंद्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इंद्रियो देखो सॉरी नॉट इंद्रियो, जायगोट बनेगा, जायगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इंद्रियो बनता है। इंद्रियो बनने के बाद जब तक न्यू यंग वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स जब तक फॉर्म होगा, ए न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होगा, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स इट विल बी लाइक रिलीज आउट ऑफ बॉडी, कम आउट ऑफ बॉडी ऑफ फीमेल पैरेंट। तो ये जो है क्या होगा, जायगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिजम्स का, ये सारे डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, अब जो ये यंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गया, अब ये बाहर निकलेगा, तो ये यंग ऑर्गेनिजम्स को मदर फीड कर, जो फीमेल पैरेंट है तो फीड करेगा इनको इट्स मील। ओके, और ए टाइप का ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे वी प्रोटोस।
ठीक है, ये जितना भी एग्जांपल में शॉर्टली हम बोला जाए तो सब मैमल्स है इनके एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये हो गया, आप लोग समझ गए ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। पहले है गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट फॉर्म होता है, उसके बाद क्या है गैमेट का ट्रांसफर होता है फॉर द फ्यूजन प्रोसेस और फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है जायगोट बनते हैं, और जायगोट बनने के बाद ओ जायगोट इम्ब्रियोस बनता है, इम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिजम्स बनता है, और ये सारे इवेंट्स को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स और स्टेप्स बोलेंगे, इवेंट्स और स्टेप्स बोल सकते हैं। पहला स्टेप क्या है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा क्या है ट्रांसफर ऑफ गैमेट, तीसरा क्या है फर्टिलाइजेशन, चौथा क्या है इम्ब्रियोजेनेसिस, एंड फाइनली दे विल ले आउट द न्यूमन्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनको शॉर्ट में कैसे देखा जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है मेल और फीमेल होते हैं। मेल क्या करेगा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल ओवम, ठीक है, स्पर्म और ओवम मिलके बनाएगा जायगोट, जायगोट बनाएगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो देगा न्यूमन्स। ठीक है, ये सारे इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और मानो ये जो मेल और फीमेल दोनों एक ही पेरेंट में, when this male part or female part same parent है, किसमें है same parent है, तो इनको क्या बोलते हैं plant के केस में इनको बोलते हैं monoecious। एनिमल के केस में ये हो गया प्लांट के केस में, एनिमल के केस में क्या बोलते हैं इनको हर्माफ्रोडाइट, ये हो गया एनिमल। और जो बाइसेक्सुअल है प्लांट के केस में, ये अगर डिफरेंट पेरेंट्स में है तो इनको क्या बोलते हैं डिवोर्सियस प्लांट, ठीक है। और एनिमल्स के केस में मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट बोला जाता है, ठीक है। अब जो हर्माफ्रोडाइट है जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, कुछ केस में क्या होते हैं देयर सो द सेल्फ पोलर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है, मतलब दोनों गैमेट एक ही बार मैच्योर होता है और फ्यूजन होकर जायगोट बनाता है, ठीक है। दूसरा शो करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गैमेट अगर पहले हो गया फीमेल बाद में हुआ तब मेल गैमेट के टाइम में फीमेल अवेलेबल नहीं हुआ तो मेल रिलीज होगा फॉर द फ्यूजन ऑफ द अदर फीमेल, तो ये है क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो हर्माफ्रोडाइट के केस में होता है। नॉर्मल एनिमल के केस में मतलब क्या होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है जो हायर एनिमल्स के केसेस में। और जायगोट जो फॉर्म हुआ, अब मानो जो जायगोट फॉर्म हो गया
जायगोट तक उसका डेवलपमेंट क्या होता है कि जायगोट में जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स है वो कलेक्ट होता है और डेवलपमेंट बाहर में होता है, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम बीवी पोरस, और जिनका डेवलपमेंट अंदर ही होता है, एक ही पूरा डेवलपमेंट इन द फीमेल पेरेंट बॉडी होते हैं, उनको बोलते हैं बीवी पोरस, ठीक है। और ये सारे इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नाउ दिस इज क्लियर। So today with this I am completing the reproduction in organism topic. अब हम next class में हम discuss करेंगे कुछ questions answer, उसके बाद हम next topic शुरू करेंगे। Thank you.